आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व विकास की परिभाषाएं हैं और विशेषताएं। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की शुरुआत हम करते हैं पर्सनालिटी। ये शब्द लैटिन भाषा के पर्सनेयर शब्द से उत्पन्न माना जाता है। यह शब्द ध्वनि करने के समान अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था। यह शब्द किसी नाटक के पात्र के स्वर को भी ध्वनित करता था। इसी के समानांतर पर्सोना, जिसका अर्थ है मुखौटा, नाटक के रंगमंच पर कार्य करने वाले पात्र अनेक प्रकार के मुखौटों का प्रयोग करते थे। वे किसी नाटक या चरित्र की अभिव्यक्ति उन मुखौटों के द्वारा किया करते थे। कालांतर में यही शब्द मनोविज्ञान में व्यक्ति की संपूर्ण विशेषताओं को व्यक्त करने लगा और इस शब्द को हम व्यक्तित्व कहने लगे, यानी कि पर्सनालिटी कहने लगे। व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है? क्या यह व्यक्ति का शारीरिक आकार प्रकार है, उसकी लंबाई चौड़ाई व्यक्ति के व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं? क्या उसका व्यवहार, उसकी आदतें व्यक्तित्व का निर्माण करती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनोवैज्ञानिकों द्वारा निम्न परिभाषाओं द्वारा दिया गया। तो हम यहाँ पे व्यक्तित्व की परिभाषाएं देखते हैं, व्यक्तित्व विकास की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा H.C. वारेन ने कहा है कि व्यक्तित्व संपूर्ण मानसिक संगठन है। यह उसके विकास की किसी भी अवस्था में या अवस्था से होता है। रैक्स रोक ने कहा है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है। J.E. Daschle ने कहा है कि व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से उसकी प्रतिक्रियाओं की और प्रतिक्रियाओं की आवश्यकताओं की उस ढंग की व्यवस्था है जिस ढंग से वह सामाजिक प्राणियों द्वारा आंकी जाती है, यानी अंकन की जाती है। वह व्यक्ति के व्यवहारों का एक समायोजित संकलन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है। और भी परिभाषाएं हैं, हम देखते हैं। गार्डन अल्पोर्ट की परिभाषा भी है, उन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनो शारीरिक संस्थान का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारण करते हैं। एक और परिभाषा देखते हैं ट्रेवर के अनुसार। ट्रेवर ने कहा था कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो जो व्यक्तित्व विकास की जो परिभाषा है उसके आधार पर जो विशेषताएं निकलती है वे हैं, पहली है व्यक्तित्व संपूर्ण मानसिक संगठन है। दूसरी विशेषता है इसका विकास विकास की किसी भी अवस्था में हो सकता है। सामाजिक स्वीकृति अस्वीकृति इसके गुणों के लिए आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास के लिए गुणों का संतुलन इसके लिए होना बहुत जरूरी है। यह संपूर्ण क्रियाओं प्रतिक्रियाओं की व्यवस्था है। यह व्यवहारों का समायोजित संकलन है। यह सामाजिक व्यवस्थापन है। यह मनोशारीरिक गतिशील संगठन है। इन सभी या ये सभी विशेषताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की ओर संकेत करती है। व्यक्ति की आवश्यकताएं उसके व्यवहार को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। यदि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उसके विकास को अवरुद्ध भी कर सकती है।